हेलो व्यूवर्स, तो आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं सुपर विनो गो गेम। तो सुपर मारियो टाइप की जो ये गेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम गेम ये गेम हम लोग खेलने वाले हैं। इसका थर्ड लेवल हम लोग को बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगा था, लेकिन फोर्थ लेवल हम लोग खेल के देखते हैं कि कैसा है। क्योंकि यार हम लोग को 3 स्टार सलंग, हमको एक सेज भी नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 स्टार मिल रहे हैं। वो मेरे ख्याल से तो यार 2 स्टार एक साथ में मिले भी नहीं है अभी तक। बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड और डिफ़िकल्ट, ख़तरनाक तरीके की डिफ़िकल्ट गेम है ये। तो चलो यार, हम लोग हमारा गेम प्ले, फोर्थ गेम प्ले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। फोर्थ लेवल हम लोग इस वक्त खेल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊँ, क्योंकि यार मैं ज़रा ज़्यादा की उतावल कर देता हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत ही आसानी के साथ हार जाता हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सोच समझ कर ही खेलने वाला हूँ इस वक्त। और जितने ज़्यादा कॉइन मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, उतने सारे कॉइन्स को मैं इकट्ठा कर लूँगा। और यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर से नीचे से स्नेल्स जा रही है और ऊपर की साइड पर से फूल है, ऐसा देख सकते हो आप लोग, मतलब कांटे वाला फूल जो चबा डालेगा अपने लोग को। तो थोड़ा सा संभल कर खेलना पड़ेगा, कि जितने ज़्यादा लेवल अपने अप होते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा अपनी डिफ़िकल्टी जो है वो बढ़ती जाएगी। और समूह टाइप का जो था, इसको मैंने बिल्कुल चपट कर दिया है। और यहाँ पर से सामने के साइड पर कूद जाता हूँ, तो जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा मैं इन लोग को तो बिल्कुल इग्नोर ही करने वाला हूँ, ये जो भी आप लोग को समोसे टाइप के दिख रहे हैं इन लोग को सबको। और यहाँ पर से कूद के हम लोग को सामने जाना है, और सामने जाने के बाद मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ नीचे की साइड पर से जाने में। और ये जो रिवर टाइप का दिखता है यार, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पेचीदा टाइप का होता है, अपने लोग को लगता है अपने क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने नहीं कर पाते और प्रॉब्लम में मतलब थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो कॉइन्स काफ़ी मुश्किल से जमा हो रहे हैं इस वक्त, इतने कॉइन्स नहीं हो रहे जमा जितने की अपने को ज़रूरत है। तो थोड़े थोड़े ही सही भाई अपने लोग ने ये खा लिया है, उसके बाद में अपने को तो कुछ खास फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है वैसे। और यहाँ पे से कूद की माननी पड़ेगी अपने को, तीन को चपट कर दूंगा ले भाई। तो तीसरे वाला तो बिल्कुल ऑटोमेटिक ही चपट हो चुका है। और ये जो है भाई डोसीमा आ रहे हैं अपने, ओल्ड एज वुमेन। तो ये स्नेल जो है यार, मेरे ख्याल से ओल्ड एज वुमेन टाइप की लगती है। देखो मतलब कितने गुस्से में यार, कितना गुस्से में उसका चेहरा तो देखो, मतलब आँखें तो देखो यार स्नेल्स की। तो आगे की साइड पर से मैं कूद की लगा करके जाने वाला हूँ बिल्कुल जोरदार तरीके से, सारे कॉइन्स इकट्ठा करते हुए। और यहाँ पर से हमारा फ्लैग भी आ चुका है, और ये फ्लैग के साथ हमारी गेम, ये वाली गेम तो अपनी ख़त्म हो चुकी है। हम लोग नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं, जो है फिफ्थ लेवल। 5वें लेवल के लिए तैयारी करते हैं अपने लोग। और चलो अपने यहाँ से उतरेंगे, एंटर करने की जगह अपने लोग को बहुत अच्छे से दिख चुकी है। और नीचे यार बहुत ही अजीबोगरीब से लोग अपने को देखने को मिल रहे हैं, तीनों तीन समूह से एक साथ में आ रहे हैं। और यहाँ पर से अपनी टॉनिक अपने को मिल चुकी है, जिससे अपनी हाइट बढ़ गई है। और यहाँ पर से मैं कूद की लगा के कैसे जाऊँ यार। तो वैसे तो यार बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा है मेरे को, लेकिन इतना भी इजी नहीं है ये, क्योंकि देख ही सकते हो वो सामने से भाई साहब बिल्कुल मतलब, सॉरी यार बहन जी है, ये तो भाई साहब नहीं है, बहुत ख़तरनाक तौर पे उड़ते उड़ते आ जाते, घूमते घूमते आ जाते ये लोग। तो मैं फिर से कोशिश करूँगा, एक और जंप लगाऊँगा और यहाँ फिर से निकल जाऊँगा। तो यार ये तो आप लोग देख ही सकते हो ऊपर की साइड पर, तो यार क्या हो गया भाई, गिर गया मैं बिल्कुल नीचे की साइड पर, चला गया हूँ पाताल में चला गया हूँ बिल्कुल। तो अभी अपने वापस से फिफ्थ लेवल को स्टार्ट करना पड़ेगा, सारा प्रोग्रेस अपना गया तेल लेने। तो वापस से अपने लोग ने इस गेम को खेलना स्टार्ट कर दिया है, और थोड़ा सा और मेहनत मुशक्कत करते हुए अपने लोग टॉनिक को पी लेते हैं, लंबे हो जाते हैं और फिर सामने की साइड पे कूद जाते हैं अपने। और यहाँ पे सी एक और जंप के साथ सामने के साइड पे फिर से कूदेंगे। मेरी हाइट भी गई है यार, और गेम प्ले भी गया, शेट यार क्या हो गया ये। चलो अपने लोग फिर से रिस्टार्ट करेंगे, क्योंकि यार ये लेवल तो एटलीस्ट कम्प्लीट करना ही करना है, क्योंकि मैं दो लेवल या तीन लेवल तो एटलीस्ट खेलूंगा। क्योंकि यार बहुत ही छोटी वीडियोस आ रही है अपनी, आप लोग को यार अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा गेम प्ले करने वाला हूँ ये बार। और
यार मतलब क्या हो गया, मेरा सर टकरा गया उस पर और मैं सीधा चला गया नीचे। बहुत फ़नी तौर पे मतलब हमारी गेम की एंडिंग हुई है, गेम का लेवल जो है, गेम ओवर जो है, बहुत फ़नी तौर पे हुई है। और मेरा सर भी फूट गया और मैं नीचे भी गिर गया। तो अभी यार अपने को टॉनिक मिल गया, अपनी हाइट बढ़ गई और अपने लोग वापस से जाते हैं यहाँ पर। यहाँ से बिल्कुल सामने की साइड पे अपने कुदी लगाएंगे, तो यहाँ पे से कुदकी लगाने की अपने लोग के। लेकिन मैं ऊपर की साइड पर जो डायमंड है वो कैसे लूँ मेरे को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं ज़्यादा लाइट मतलब क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा अपने टेंशन नहीं लेता इसको, बिल्कुल लाइटली लेता हूँ और मैं निकलता हूँ यहाँ से। और यार ये वापस आएगा, बहुत स्पीड में वापस आया है वो। तो यहाँ पे से मैं पिछली बार जब मैं पहले जब खेला करता था बचपन में, तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता था स्नेल्स का मतलब, क्योंकि टकराने के बाद बहुत स्पीड में ये वापस आती है। तो चलो एक और बार हारने के बाद फिर से अपने लोग गेम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार ये तो कुछ भी करना है लेकिन अपने को इसको तो कम्प्लीट करके रहना है। तो आ चुके हैं अपने टॉनिक वॉनिक के लिए, लंबे हो गए। और ये दो कॉइन्स भी अपने लोग को सामने की साइड पे दिख रहे हैं इस वक्त। तो बहुत ही ज़्यादा सावचेती के साथ, बहुत मतलब होशियारी के साथ अपने लोग को ये गेम को खेलना पड़ेगा। तो एक तीर और तीन निशाने टाइप की बात हो गई, बहुत आसानी के साथ अपने लोग ने वहाँ से खेल लिया और सामने की साइड पर निकल गया। यार मैं फाइनली निकल गया सामने की साइड पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि मैं सामने की साइड पर निकल गया। ओ भाई गिर जाता यार, मतलब पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। तो यहाँ पर से कूद के सिर्फ दो ही कॉइन्स आने वाले हैं, लेकिन नीचे जाने की तो अपने लालच बिल्कुल भी नहीं करनी है। कॉइन्स के चक्कर में पूरी की पूरी गेम अपनी ख़राब हो जाएगी यार, अगर मैं नीचे की साइड पर गया तो। गया यार, मेरी हाइट कम कर दी यार इसने, क्या करता है। तो यार इन लोग का प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये छोटे छोटे दिखने वालों का प्रॉब्लम क्या है यार, मतलब कितनी बड़ी आँखें हो रही है, कितने छोटे छोटे ये लोग। तो ये गया, ये एक और आ रहा है, ये भी गया। तो अपने लोग सामने की साइड पर जाना है, लेकिन यार जाऊँ तो जाऊँ कैसे मैं। तो वैसे मैं वापस से पोजीशन लेकर खड़ा हो चुका हूँ मेरी जगह के ऊपर, और अब ये भी गया। तो यार शायद ये वापस, देखा ना आप लोग ने कितनी स्पीड में वापस आए हो। तो यहाँ पे से मैं एक जंप लगा करके जाऊँगा, और मेरे ख्याल से तो भाई हाफ तो गेम अपने ऊपर दिख ही रही है कि कम्प्लीट हो चुकी है। तो अपने फटाफट से कॉइन्स को इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ पर, और अपने लोग को दिखने को मिल रहा है यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ जा रही है। तो इनको क्रॉस करके मेरे को जाने का है। तो यार पहली बार में मैंने ये कर लिया, मेरे को खुद को मतलब अजीब सा लग रहा है कि मैंने मतलब सही में कर लिया। तो हम लोग यहाँ पर से थोड़े और कॉइन्स को इकट्ठा कर लेते हैं, और ये नीचे के सामने नीचे की साइड पर अपने को बिल्कुल भी जाना नहीं है, देखना तक भी नहीं है नीचे की साइड पर क्या चल रहा है वहाँ पर। तो अपने किसी को भी मतलब बिना परेशानी किए सीधे सीधे चले गए, और अपना गेम प्ले ऑलमोस्ट यार ख़त्म ही हो चुका है मेरे हिसाब से। तो फाइनली अपना गेम प्ले ख़त्म हो चुका है, अपने को फ्लैग भी मिल चुका है। और ये गेम प्ले आप लोग को कैसी रही कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।